भक्तों का रेड जोन में एहतजाजी जलसा जारी है। कारकुनों की बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट के करीब मौजूद है। इसी हवाले से मजीद भी अपडेट जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज नवीद अकबर से। नवीद बताइएगा सबसे पहले कि जलसा गाह में कौन कौन से सीनियर रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस स्टेडियम का जलसा जो है वो जारी है। रेड जोन के अंदर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस गेट है उसके सामने जो है ये स्टेज बनाया गया है। स्टेज पर मरीम नवाज मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान मौजूद हैं और समेत पाकिस्तान पीपल पार्टी, मुस्लिम नून और जो पीडीएम की दीगर जमातें तमाम की जो मरकजी ख्याल से वो मौजूद है। मुस्तर जो कायदीन है उनकी तरफ से यहाँ पे खिताब किए गए हैं और आपसे कुछ देर में जो है मरीम नवाज का खिताब शुरू होने वाला है। तो ये एहतजाजी मुजाहरे से जारी है। मुजाहरे के जो इर्द गिर्द लोग काफी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, पीडीएम की जमातों के सालों के इनके अलावा इनका ताल्लुक जो है मुस्लिम से है, पीपल्स पार्टी से है और अभी तक जो है काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। लोग आ रहे हैं, लोग यहाँ पे मौजूद दूर दूर तक जो है सारी सारे नजर आ रहे हैं और पीडीएम के भी कारकुन यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हाथों ने हाथों में झंडे उठा रखे हैं, अपनी अपनी पार्टी के अपनी अपनी जमातों के होर्डिंग उठा रखे हैं। कोई यहाँ पे खाना खाने खा रहा है, कोई यहाँ पे पानी पी रहा है, किसी ने कोई सेल्फी बनाने का। आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे, इस वक्त आपको बताते चले कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस वक्त धरने से खिताब करेंगे। देखो, दिल की गहराइयों से सलाम पेश करती हूं। आज जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की असली आवाम शराए दस्तूर में इस इमारत के सामने मौजूद है, जो असली आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर यहाँ मौजूद है, तो मैं उमर पूछती हूँ आवाम के इस समंदर को देखकर को देख के खुशी हुई या नहीं हुई? और जब हकीकी और असली आवाम निकलती है ना हजारों और लाखों की तादाद में, तो पत्ता नहीं हिलता, गमला नहीं टूटता, कोई पत्थर नहीं बरसाता। आओ पाकिस्तान की हकीकी आवाम, और ये आपसे आज मजबूरी में सवाल पूछने आए हैं। मैं आपसे मजबूरी में आज सवाल पूछने आई हूं। ये जो इमारत सफेद संगमरमर की इमारत जिसको आज आपने अपनी इमरानदारी से दागदार नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज धरने के शुरका से खिताब कर रही हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान की असली आवाम शारह दस्तूर पर मौजूद है, असली आवाम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। चीफ जस्टिस को ये आवाम देखकर खुशी हुई या नहीं? चीफ जस्टिस आ जाकर हकीकी आवाम को देख लें। आपको बता रहे हैं कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज धरने के शुरका से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि पाकिस्तान की असली आवाम शारह दस्तूर पर मौजूद है, असली आवाम सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। चीफ जस्टिस को ये आवाम देखकर खुशी हुई या नहीं? चीफ जस्टिस आज आकर हकीकी आवाम को देख लें। कानून को बनाने वाले और कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं। हम आज यहाँ का एहतजाज नहीं करना चाहते थे, मगर यकीन जानो पाकिस्तान की बेहतरी भी इसी इमारत से फूटती है और पाकिस्तान की तबाही भी इन्हीं के फैसलों से फूटती है। पीडीएम के कारकुनों से भी कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के आवाम से भी कहना चाहती हूँ और मुअज्जिज जज हजरात से भी कहना चाहती हूँ कि हम जजेस का एहतराम करते हैं, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, कानून का एहतराम करते हैं,
हम उन जजेस की बात आज नहीं करेंगे जो आईन और कानून पर चलने वाले जज हैं। आज अगर बात होगी तो इमरान खान की मेरे भाइयों और बहनों, मुझे इस बात का जवाब दो, ये जो इमारत हमारे सामने खड़ी है, इस इमारत से तो मजलूम को इंसाफ मिलना था ना, इस इमारत से ताकतवर को कानून के शिकंजे में लाया जाना था ना, इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत किया जाना था ना। ये पार्लियामेंट हाउस है, इस इमारत से तो चाहिए था कि पार्लियामेंट की मजबूती की, पार्लियामेंट की तवानाई की आवाज बुलंद होती। इस इमारत से तो मुंतखब वज़ीरे आज़म जो आपके वोट से आते हैं उनके तकद्दस को बरकरार रखना इस इमारत की जिम्मेदारी थी, जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी, दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी, फितना और इंतशार फैलाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। लेकिन यहां से उन्होंने क्या किया, जिस इमारत से इंसाफ होना था, साहिलों को, मजबूरों को इंसाफ मिलना था, वहां पर बैठकर कुछ मसरूफ है दिन रात, जहां से मुंतखब वज़ीरे आज़म को तहफ़्फ़ुज़ मिलना था, वहां से मुंतखब वज़ीरे आज़म को इल्काबाद से नवाजते रहे, कहते रहे सिसिलियन माफिया, कहते रहे गॉड फादर, और जो 60 अरब रुपए का मुजरिम जब अदालत में पेश किया गया उसको कहते हैं वेलकम वेलकम, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। पार्लियामेंट जो के तमाम इदारों की माँ होती है, जहां से आईन ने जीन ने जन्म लिया, जहां से कानून ने जन्म लिया, उस पार्लियामेंट से टक्कर लेके बैठ गए हो। अभी तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया ही नहीं था, अभी तो माँ के पेट में कानून था और तुम उस कानून बन के बैठ गए हो। तुम्हारा काम कानून की और आईन की तशरीह करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों में पार्लियामेंट की बात करती हूं तो मैं आपकी बात करती हूं, मैं आपके हक की बात करती हूं, मैं उन नुमाइंदों की बात करती हूं जिनको वोट देकर आप पार्लियामेंट और पार्लियामान के अंदर भेजते हो। इस मुल्क को, ये भी सुन लो, इस मुल्क को जब जब भी खराब किया गया वो यहां से जो नजरिया जरूरत उठता है उसने खराब किया पाकिस्तान को। मुंतखब वज़ीरे आज़म को घर भेजा जाता है, किसी मुंतखब वज़ीरे आज़म को फांसी लगाई जाती है, किसी को जिला वतन किया जाता है, किसी को गोली मारी जाती है, किसी को एक इकामा रखने पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक मुंतखब वज़ीरे आज़म को, आपके मुंतखब वज़ीरे आज़म को घर भेजा जाता है और यहां से मोहर लगती है, यहां से। पीडीएम के कारकुनों, आप मुझे हाथ उठा के बताना,
बाएं से भी, दाएं से भी, आगे से भी, पीछे से भी, क्या तुम लोग गवाही देते हो कि इस मुल्क में चार आमरियतें आई, चार बार इस मुल्क पर शब खून मारा गया, इस मुल्क के मुकद्दस आइन को लपेट कर रद्दी की टोकरी में फेंका गया। यहां से लोगों ने LFO और PCO के हल्फ उठाए या नहीं उठाए? क्या एक भी आमिर ऐसा है जिसको इस इमारत में किसी काले रोब पहनने वाले ने घर भेजा हो? बताओ, क्या एक भी आमिर को इन्होंने घर भेजा? हमेशा आमिरों की खातिर नजरियाए जरूरत को जिंदा किया। पहला आमिर आया, पहला मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, दूसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, तीसरा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा, चौथा मार्शल लॉ आया तो ठप्पा यहां से लगा। और आज जबकि हमारी फौज मार्शल लॉ लगाने को तैयार नहीं है, जम्हूरियत आईन और कानून के साथ खड़ी है, तो आज पाकिस्तान का पांचवा मार्शल लॉ जुडिशियल मार्शल लॉ भी यहां से लगा है।